मर्डर पर और बच्चियों के किडनैपिंग पर सफाई बता दे। आम आदमी का लाश, आम आदमी कब तक डर और अभाव में जिएंगे? नीतीश कुमार को सबसे पहला सवाल यही बताना चाहिए, कब तक जिएंगे? आम आदमी के लिए बिहार सुरक्षित है कि नहीं, इस पर वो चर्चा नहीं किया। वर्चुअल रैली में 200 करोड़ रुपया नीतीश कुमार ने खर्च किया, जनता की पैसे। इसके पहले 100 करोड़ रुपया गांधी मैदान में इन्होंने खर्च किया था, तब भी इनको बिहार के यूथ ने और गरीबों ने इसको हैसियत बताई थी। फिर वर्चुअल रैली में इन्होंने जब 5 महीना नहीं निकले, दुनिया में पॉजिटिव केस दूसरे नंबर पर चला गया, दूसरे नंबर पर, 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन इनको सत्ता के लिए वर्चुअल रैली की चिंता है। उनचालीस लाख लोगों ने डिसलाइकिंग किया यूथ ने मोदी जी का, 39 लाख। और आज नीतीश कुमार के 200 करोड़ सरकारी पैसे पर खर्च करने के बावजूद 92.3% अभी तक उसकी डिसलाइकिंग है। अब भी और वो आदमी बिहार के बारे में कोई बात नहीं करेगा, पॉजिटिव जांच का उसको पता नहीं। मैंने तो उसको चुनौती दी कि तुमने जांच कहां किया, किस डॉक्टर से किया? पहले ये जांच करते थे 10,000 तो पॉजिटिव निकलता था 4,200-4,800, अब ये 1.5 लाख जांच कर रहा है तो पॉजिटिव निकल रहा है 1,200, 1,900। सो कौन सा इसके नीतीश कुमार को देवी ढूंढ गया भाई।